अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूँ आयशा जुल्फकार। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। सदर जरदारी की एक बार फिर शरीफ बरादरान पर शदीद तनकीद, कहते हैं सियाचिन से यकतरफा तौर पर फौज वापस नहीं बुला सकते। हेड सुलेमान की बॉर्डर खोलने का इशारा। लाहौर और गिरदोनवाह में जलजिले के झटके, लोग घरों से बाहर निकल आए। कराची में टारगेट किलिंग ना रुक सकी, फायरिंग से मजीद 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। ताजिरों की मार्केटें बंद करने की धमकी। वजीर दाखिला सिंध ने बशीर कुरैशी के जिस्म के अज्जा का बरतानिया से तज्जिया कराने का हुक्म दे दिया। सियाची में इमदादी टीमें तोदे तले दबे फौजियों के करीब पहुंच गईं। जवानों की सलामती के लिए मुल्क भर में दुआएं। कोयटा में तहरीक इंसाफ का सियासी कुव्वत का मुजाहिरा, इमरान खान कुछ देर में जलसे से खिताब करेंगे। नेटो सप्लाई की मुमकिन बहाली के खिलाफ लाहौर में दिफाए पाकिस्तान काउंसिल का एहतजाज। हाफिज सईद ने कहा है कि पाकिस्तान को अमरीका से हमेशा के लिए आजाद कराएंगे। मुल्तान में टीचर ने सबक याद न करने पर तालिब इल्म को तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। और जनूबी कोरिया में बैलों की लड़ाई के सालाना मुकाबले शुरू हो गए।